Boycott, boycott, boycott Chinese product, all product boycott. Oh, hi guys, आगे आप. तो दोस्तों basically आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे boycott Chinese product, यानी कि दोस्तों इंडिया के अंदर काफी ज्यादा चल रहा है boycott Chinese product. ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो कैसे चल रहे हैं, और दोस्तों इंडिया के अंदर चल रहा है boycott चाइनीज प्रोडक्ट, यानी कि चाइना का कोई प्रोडक्ट आपको बाय नहीं करना है. तो दोस्तों ऐसे में अगर आप कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो आप कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन लें जिससे दोस्तों आपका पैसा चाइना गवर्नमेंट के पास यानी कि चाइना के अंदर नहीं जाए, अदर किसी कंट्री के पास जाए, या फिर जो आप फोन का ब्रांड लेना चाहते हैं वो फोन किसी अदर कंट्री का हो ना कि चाइना का हो. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं यही बताने वाला हूं कि आपको अगर एक फोन लेना है नया तो कौन सी कंपनी और कौन सा ब्रांड का लें जिससे दोस्तों चाइना के पास पैसा नहीं जाए. तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं. तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले आपको मैं चाइनीज फोन लिस्ट बता देता हूं दोस्तों, चाइना कंपनी के कौन से ब्रांड हैं जो कि आपको बाय नहीं करने हैं. सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं वीवो, ओप्पो, रियलमी और ये जो सारी कंपनीज हैं, वन प्लस, ये सारी चाइनीज कंपनी है. उसके बाद दोस्तों आपको ये सारे फोन्स नहीं खरीदने हैं, इनका आपको 100% यानी कि टोटली बॉयकॉट करना है, क्योंकि दोस्तों इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो आप देख ही रहे हैं कैसे रिलेशन है, अपने कितने जवान मारे गए हैं. तो दोस्तों आपको ये फोन्स नहीं बाय करने हैं. अब आप कौन से फोन्स बाय कर सकते हैं जो कि इंडिया या फिर अदर कंट्री के हैं? तो सबसे पहले नाम आता है दोस्तों सैमसंग का. आप सैमसंग के फोन्स बाय कर सकते हैं. ये कंपनी है साउथ कोरिया की कंपनी है, ये काफी अच्छे फोन्स बनाती हैं. आपने सैमसंग का नाम तो सुना ही होगा. तो दोस्तों सैमसंग काफी अच्छे फोन्स बनाते हैं, आप सैमसंग के फोन्स खरीद सकते हैं. दूसरे, अगर आपके पास फोन खरीदने का हाई बजट है तो दूसरी जो कंपनी है उसका नाम है एप्पल. एप्पल कैलिफोर्निया बेस्ड यानी कि अमेरिका बेस्ड कंपनी है, यानी कि अमेरिका की कंपनी है. तो दोस्तों अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशन है वो आपको पता ही है, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के कैसे रिलेशन है. तो दोस्तों आपका अगर हाई बजट है तो आप एप्पल्स के फोन खरीद सकते हैं. और अब बात करेंगे दोस्तों तीसरी कंपनी के बारे में जो कि है नोकिया. और दोस्तों नोकिया का हेड ऑफिस है फिनलैंड के अंदर, और दोस्तों फिनलैंड और इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं. अगर आप कोई स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो नोकिया के अंदर में से आप देख सकते हैं. नोकिया अपने स्मार्टफोन के अंदर हर रेंज के फोन लेके आ चुका है, तो आप मार्केट में काफी ज्यादा फोन हैं नोकिया के, आप कहीं से भी नोकिया के फोन्स खरीद सकते हैं. और फिनलैंड और इंडिया के रिलेशन भी काफी अच्छे हैं. तो दोस्तों आप इंडिया को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नोकिया के फोन भी खरीद सकते हैं. अब बात करते हैं चौथी कंपनी के बारे में दोस्तों, वो है एसुस. एसुस भी काफी अच्छी कंपनी है जो कि दोस्तों ताइवान की कंपनी है. एसुस ने काफी अच्छे अच्छे फोन इंडिया के अंदर लेके आया है, आप एसुस के फोन भी बाय कर सकते हैं. फ्लिपकार्ट पर एक्सक्लूसिव मिलते हैं एसुस के फोन, तो आप बाय कर सकते हैं. अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, वो है दोस्तों गूगल. गूगल कैलिफोर्निया बेस्ड दोस्तों अमेरिका की कंपनी है, और पहले भी मैंने बताया अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं. आप अगर वन प्लस या फिर किसी और हाई बजट वाला फोन चाइनीज फोन खरीदने की सोच रहे हैं, वीवो ओप्पो में से 30,000, 24,000, 25,000, 50,000 का फोन खरीदने की सोच रहे हैं जो कि वीवो ओप्पो या फिर वन प्लस के आते हैं वो खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल ना खरीदें. आप गूगल के पिक्सल फोन में से कोई भी फोन खरीद सकते हैं, काफी अच्छे फोन है गूगल पिक्सल्स. उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एलजी. एलजी कंपनी भी काफी अच्छी कंपनी है, और एलजी कंपनी भी साउथ कोरियन कंपनी है जो कि दोस्तों आपको पहले ही बताया मैंने साउथ कोरिया और इंडिया के काफी अच्छे रिलेशंस हैं. तो दोस्तों आप एलजी में से भी अपना कोई भी फोन खरीद सकते हैं, एलजी में भी आपको काफी ज्यादा फोन्स देखने को मिल जाएंगे. अब बात करते हैं प्योर इंडियन कंपनी के फोन्स कौन से हैं. तो दोस्तों माइक्रोमैक्स प्योर इंडियन कंपनी है दोस्तों, पूरा सारा मेड से लेके दोस्तों सारा कुछ इंडिया के अंदर बनता है. माइक्रोमैक्स हाल ही में एक फोन लॉन्च करने जा रहा है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट पर आप देख रहे हैं, ये फोन आप बाय कर सकते हैं 10,000 के अंदर अंदर इसकी प्राइस होने वाली है. तो दोस्तों माइक्रोमैक्स को सपोर्ट कीजिए और उसके फोन आप बाय कीजिए और इंडिया के साथ रहिए, क्योंकि दोस्तों आप अगर चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं वीवो ओप्पो वन प्लस या फिर काफी
खूब सारी कंपनीज हैं जो कि चाइनीज कंपनीज हैं और दोस्तों इनका बॉयकॉट करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है बॉर्डर पे इन्होंने अपने सैनिकों अपने जवानों का क्या हाल किया है। तो दोस्तों आप इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो चाइनीज प्रोडक्ट नहीं बाय करेंगे, आप ओनली इंडियन प्रोडक्ट्स बाय करेंगे। और दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा माइक्रोमैक्स के फोन दोस्तों, क्योंकि दोस्तों माइक्रोमैक्स प्योर इंडियन कंपनी है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो बनाया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू, कीप सपोर्ट, कीप लव, हैव अ गुड डे।